हरियाणा पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली को लेकर सोनीपत में भी सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया। सभी छात्रों का कहना था कि सरकार जब भी भर्ती निकालती है पेपर लीक हो जाते हैं। सैकड़ों युवा सरकारी नौकरियों के बार बार पेपर लीक होने से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं शिक्षकों ने भी सरकार से मांग करते हुए कहा कि पेपर लीक होने पर लगाम लगाई जाए। बार बार पेपर लीक होने से लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है। जैसे कि फीस लगाकर पढ़ते हैं और इनका हक दो तरह के व्यक्ति, एक जो पेपर लेते हैं और एक जो पेपर आउट कराते हैं, वो इनके हक पर हाथ डालते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल एक तरह से गलत तरीका है। टेस्ट है जो ये पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ, दो तीन साल में जाके नंबर आया बच्चों का, पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए। कितने दिनों से जूझ रहे थे इस बेरोजगारी से, अब जब ये हालत है कि बच्चे कई कई सौ किलोमीटर कवर करके अपना डिस्टेंस, गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप या तो मजदूरी करते हैं या किसान हैं, कहीं जाके एक रात पहले रुकना पड़ता है क्योंकि सुबह पेपर जल्दी होता है। इनका रहने का खर्चा, आवाजाही सब बर्बाद, और उससे बड़ी बात इनके जीवन के दो साल खा गई सरकार। सरकार क्यों नहीं कुछ ऐसे कदम उठाती कि ये बेटियां, वैसे तो सरकार दावे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जब ये पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। जहां लड़के दुखी हैं वहां लड़कियां भी परेशान हैं। लड़कों का पेपर, 8.5 लाख लोग अपने घरों से इधर से उधर गए, ये कोई मजाक नहीं है सर। दो साल में सरकार पेपर लेती है, उसके बावजूद फिर सरकार कह देती है कि हमें नहीं पता। अब सब जानते हैं जितने बड़े लेवल पे ये पेपर लीक होते हैं सबको पता है, लेकिन जानबूझ के कुछ दिन बाद ये खबरें उछलेंगी और उसके बाद ये पता नहीं कहाँ गुमनाम हो जाएंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हम चाहते हैं बच्चों के हक की आवाज़ उठाना। ये सब लड़कियाँ, सब बेटियाँ, सब बेटे हमारे साथ हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश जवाब चाहता है सरकार से, प्रशासन से, किसकी गलती है ये पेपर लीक होना, और जिसकी गलती है उसको सरेआम सामने क्यों नहीं लाया जाता। क्या ये छोटे छोटे लोगों को पकड़ के ये दिखाते हैं कि पेपर इन्होंने लीक किया? ये सबको पता है कि ये बड़े लेवल की घटना है और किन्हीं बड़े लोगों का इसमें हाथ है, तो सबको सामने लाया जाए। पब्लिकली हर एक को पता हो किसकी गलती है, और वो गलती दोबारा नहीं होगी इसकी एश्योरेंस सरकार हमें दे, ताकि अगली बार पढ़ के इनके मन में ये रहे कि हम पढ़ के नौकरी पा सकते हैं। जी, पेपर लीक हुए हैं तो पेपर लीक होने में तीन जो है जिम्मेदार आदमी है इसमें। पहले नंबर पर जिसने लीक किया, जो कि सरकारी अधिकारी था या सरकार द्वारा किसी एजेंसी का अधिकारी था जिसने पेपर लीक किया। नंबर दो, वो एजेंट जिसने पेपर लीक करवाया। और नंबर तीन, जिन्होंने पेपर लीक करवाने के बाद बच्चों ने पेपर पास करने के लिए पेपर खरीदा। मैं चाहता हूँ कि तीनों के तीनों लोगों को यहाँ पर सामने दिखाया जाएगी। ये भ्रष्ट आदमी है, ये समाज के, देश के गद्दार आदमी है। इन लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए, इनसे बच के रहना चाहिए। जिन लोगों ने पैसे दिए पेपर में पास होने के लिए, जो एजेंट था पेपर जो है लीक करवा के उनको दिया, और जिसने लीक किया, अगर ये तीनों के तीनों अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, तब जो है इस प्रकार के जो है ये घटनाएं रुकेंगी, वरना रुकेंगी नहीं। ये घटनाएं होती हैं, पेपर लीक होते हैं, थोड़े दिनों बाद जमानत पर जो है छूट करके घूमते हुए नजर आते हैं, जो पैसे कमा रखे उसमें से कुछ हिस्सा दे करके, और फिर मामले को दबा दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि जो फरवरी में मामला हुआ था, फरवरी के बाद अगस्त 6 महीने बीत गए हैं, तो 6 महीने में क्या क्या कार्रवाई हुई है बात बताया जाए। एचटेट का पेपर था, एचटेट का पेपर कई बार लीक हुआ है, सोनीपत में ही जो उसका जो है तार जुड़े हुए मिले थे, उन लोगों को क्या हुआ, कितने लोगों को सजा मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस प्रकार के सारे मामले जो है पेपर लीक होते रहते हैं, दबा दिए जाते हैं। अब की बार हम इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं, चाहे हमें ये जो है जितनी बार भी आना पड़ेगा, जितने बार भी प्रार्थना पत्र देने पड़ेंगे, ज्ञापन देने पड़ेंगे, धरना देना पड़ेगा, जुलूस करना पड़ेगा, या जो भी होगा हम करेंगे। पेपर लीक होने से शिक्षकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, और इन सभी का गुस्सा होना लाजमी भी है। इन सभी की माने तो जब भी पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। सरकार इस सिस्टम को सुधारे। युवाओं के साथ साथ शिक्षकों ने भी इस मामले में सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।